हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि Redmi Note 7 का कुछ स्पेसिफिकेशन बारे में, और वो लॉन्च कब हुआ और इंडिया में कब लॉन्च होगा और कैसे कैसे स्पेसिफिकेशन उसके अंदर है। तो दोस्तों Xiaomi ने सबके डंक का बजा कर रखा है और चाइना में आज रिलीज हो गया Redmi Note 7, तो उसको देख के उसका स्पेसिफिकेशन इतने कम प्राइस के अंदर, तो बाकी यहाँ पे जो इंडिया में जो कंपनी है Vivo, Oppo या जो बड़े बड़े कंपनी, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग करते थे 15,000 से, कोई उनका कोई मिनिमम फोन अगर खरीदने जाओ तो 15,000 से कोई कम अच्छा वाला बजट के फोन नहीं मिल पाएगा जो कि स्पेसिफिकेशन आता है। तो भैया बहुत गजब होने वाला है जब इंडिया में आएगा, आप सोचो तबाही तबाही मचाएगा ये जो सेवन जो नोट सेवन जो इसका सीरीज आ रहा है Xiaomi का, तो ये तबाही मचाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसके स्पेसिफिकेशन और छोटा सा रिव्यू आपको देते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फोन जो आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, एक 32 यानी कि 3 GB और 32 GB रोम, और साथ में 4 GB और 64 GB रोम, और साथ में 6 GB और 64 GB रोम। प्राइस यही रहेगा अराउंड 10,500 से 11,000 के बीच रहेगा, तो 32 वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है 12,400 में रेंज में रहेगा जो 4 GB और 64 GB स्पेसिफिकेशन का, 14,500 से 15,000 के बीच में रहेगा तो 6 GB रैम और 64 GB रोम। ये काफी गजब होने वाला, ये बहुत बढ़िया प्लान लेके आया है, और ये जो चीज है 6 महीने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था Xiaomi को। Xiaomi ने जैसे Redmi Note 5 सीरीज का जबरदस्त सेल किया था Redmi Note 5 Pro, ठीक इसी तरह Redmi 6 तो वर्क नहीं किया इतना इंडिया में, बट Redmi 7 Note जो आ रहा है इसके बाद Redmi Note 7 Pro भी आएगा, तो फिलहाल इंडिया में अभी आने में थोड़ा देरी है। ये 15 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, यानी कि सेल में लग जाएगा, यानी चाइना में, तो चाइना में जनवरी 15 से सेल स्टार्ट हो जाएगा। और ये मुझे लगता है कि इसका जो बेंचमार्क को पार करेगा, यानी कि Redmi Note 5 Pro जितना सेल हुआ था इंडिया में उसे डबल सेल होगा, और बहुत बड़ा तबाही मचाएगा ये जो इंडिया में आएगा। तो चलो अब बात करते हैं इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन बारे में, इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है ये देख लेते हैं। इसके अंदर जो है आपको दोनों सिम मिलेगा जो कि नानो सिम है नोट स्पोर्ट्स का, और 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, साथ में आपको मिल जाएगा गोरिल्ला ग्लास 5, और साथ में यहाँ पे आपको देख रहेगा स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर SoC पैड विथ Adreno 512 ग्राफिक्स, वाह क्या बात है, एंड 3 GB रैम, 4 GB रैम एंड 6 GB रैम ऑप्शन में, इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा 32 GB 64 GB, यानी कि 3 GB में 32 रहेगा और 4 GB एंड 64 GB में 4 GB एंड 6 GB में 64 GB का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे अलग से आप माइक्रो SD कार्ड स्लॉट रहेगा जो कि डेडिकेटेड स्लॉट इसमें आने वाला है, और ये 256 GB तक वर्क कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कैमरा की, यहाँ पे जो रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा रहेगा, और इसको ब्लॉरिंग करने के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा साथ में देगा, फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। तो भैया Xiaomi कुछ दिन पहले बैटरी के मामले में काफी थोड़ा कंजूसी कर दिया था, क्योंकि पहले Redmi Note 5 Pro के बाद उसने किसी भी फोन के अंदर 4000 mAh की बैटरी और 5000 mAh बैटरी भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे कम कर दिया था, यानी 3.5 के नीचे दे रहा था, बट इसमें जो 7 सीरीज में लेके आया उसको पता चली गया मार्केट में, लोग जो ढूंढ रहे हैं आज के टाइम में, जो यूथ ज्यादातर सोचता है कि बैटरी बैकअप सही तरह होना चाहिए फोन में, तो उसमें फिर इसमें 4000 mAh की बैटरी दिया गया है, और ये काफी मददगार होगा, और साथ में फास्ट चार्जिंग का दे रखा है, आप अराउंड 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा फुल चार्जेस हो जाएगा। Redmi Note 7 के अंदर आपको C टाइप चार्जर जैसे चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो USB पोर्ट, और जैसे हम MIUI 1 यूज करते हैं उसके अंदर जो C टाइप का पोर्ट है वैसे आपको देखने को मिल जाएगा, और वो मिनी माइक्रो हटा दिया उन्होंने, और 3.5 mm जो MM का जो ऑडियो जैक वो अवेलेबल रहेगा, बट इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर डुअल 4G वोल्टी आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों सिम में आपको वोल्टी सपोर्ट करेगा, और ये काफी जबरदस्त है। और साथ में इसके साथ आई थिंक इसके अंदर ऑप्शन शो होके आएगा, जैसे आने वाले दिन में इंडिया में 5G आने वाला है, तो 5G के लिए भी इसमें वर्केबल हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे फीचर्स के साथ ये लॉन्च हो रहा है, और काफी गजब फोन है, और इतने टाइम के बाद एक बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी और मतलब लुक वाइज अच्छा है, उसके अंदर वाटरप्रूफ टाइप का एक नॉच भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इस फोन को जैसे इंडिया में आप लेना चाहोगे बेहिचक ले सकते हो, या वेट कर सकते हो इसका प्रो वर्जन आने में, हो सकता है प्रो वर्जन अभी चाइना में रिलीज नहीं हुआ है, आने वाले दिन में वो हो जाएगा, तब इंडिया में एक साथ आई थिंक रिलीज करेगा तीनों चीज, यानी Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7A, ये तीन ऑप्शन शायद आ सकता है मॉडल इंडिया में एक ही साथ, जब चाइना में तीनों रिलीज हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप एक्साइटेड है इस टाइप का स्पेसिफिकेशन देखने के बाद ये फोन को लेने के लिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आई थिंक अगर आप ज्यादा इसके ऊपर गैदरिंग दिखाएंगे यानी कि इस वीडियो के नीचे अगर ज्यादा कमेंट्स शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा इस फोन को परचेज करके आपके सामने टिप्स एंड ट्रिक्स इस फोन के ऊपर पूरा रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो वीडियो है आपको जो लेटेस्ट MIUI 10 के ऊपर देखने को मिल जाएगा, इसमें एंड्रॉइड 9 पे अपडेट होके ही आएगा। तो बहुत मजेदार बात था और ये था वीडियो आज का। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।